कुछ नहीं कर रहा था, आया था, मैंने 2 महीने मेरा यहाँ आया हुआ हो रहा है। आज की बात कर रहा हूँ, आज आज क्या चल रहा है? आज सिंगिंग चल रहा है। मतलब आपने गाना गाया है? यस सर, क्या बात है, सिंगर हो आप? यस सर। कितने महीने या कितने साल से आप गाने में प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस तो मैं, मेरा आज तक कोई गुरु ही नहीं हुआ सर मैंने, लेकिन प्रेस्टिक मुझे सिंगिंग में बचपन से ही तो चल। अभी आज आपको मौका मिला है, किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रवि सर को, मनोज सर को, हमारे भैया हैं, इनको मैं बहुत 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 धन्यवाद बोलता हूँ। क्योंकि जब मैं मुंबई में आया तो यहाँ तो पता चलता था मुझे, बच्चे तले मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ कार्ड बनवाओ ये बनवाओ, लेकिन सभी को मैंने पैसा भी दिया, कार्ड अभी तक नहीं मिला। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से पढ़ता हूँ सर। तो अब तो आप रिलीजिंग होने वाला है आपका गाना, आपने गाना रिकॉर्ड कर लिया, यस सर, रिकॉर्डिंग हो गई, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस ठीक रहा। माइक पे गाना और घर में गाना कितना बहुत फर्क है? अंतर है सर, घर तो गुनगुनाना कुछ और है, लेकिन जब यहाँ पे आता है तो उसका, मतलब क्लास ले ली मास्टर ने आपकी? यस क्लास सर, लग गई यस आज? सर, तो अभी अभी कैसा फील कर रहे हो? गाना रिकॉर्ड हो चुका है, आवाज़ सुन रहे हो आप अपनी अंदर कंप्यूटर में, तो अभी क्या फीलिंग है? फीलिंग तो अच्छा हो रहा है, पर डर भी लग रहा है? जब वहाँ पे थे तो वहाँ की बातें कुछ और थी माइक भी, लेकिन अब जब सुनता हूँ तो अपने आप में मुझे ठीक लगता है। तो कुछ बताया आपने अपनी फैमिली में कि मैंने गाना गा दिया हूँ? नहीं अभी तक तो मैं नहीं बताया, लेकिन बताऊँगा, एक खुशखबरी दूंगा। अभी कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रहा है अभी। तभी गुरु कौन है आपके, कुछ अभी बताओगे तो अपने अभी गुरु के? तक अब मेरे गुरु देख, बना लिया होगा आपने, यस अब तो सर, मैं आपको तो गुरु लॉन्चिंग ही बना है। लिया, आज तक मेरा गुरु नहीं था, लेकिन जब मुंबई में आए तो मेरा गुरु हो गया है, अब कौन गुरु है आपका? हमारे गुरु ये हैं। जी गुरु जी, कुछ बताओगे या आपने? नहीं गुरु नहीं, गुरु देखो, गुरु कोई ऐसा नहीं है कि इनको मैं गाना, जब भी भेजे थे मेरे को व्हाट्सएप पे इन्होंने, जब मैं इनका गाना सुना है कि सर मुझे एक चांस दीजिए मैं आग लगा दूंगा, तो मैंने देखो ऐसे तो चांस किसी को मिलता नहीं परफेक्टली, और मुंबई शहर में किसी को एक गाना चाहे एक ऐसा लीड सॉन्ग कोई देता नहीं कोई चीज़ में इंडस्ट्री में कहीं। अभी इनकी स्टोरी मैंने सुना कि इन्होंने बहुत जगह स्ट्रगल किया, ये वो आज का पैसा ये ऐसा वैसा, मतलब किसी ने चांस नहीं दिया, सब इनके साथ फ्रॉड ही किया इन्होंने, ऐसा मेरे को स्टोरी बताया। तो मैं स्टोरी सुन के मेरे को थोड़ा तकलीफ़ हुआ, और मैंने इनको जब आवाज़ सुना तो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, रियली बहुत अच्छी है मैंने सुना, और मैं इनके लिए स्पेशल एक गाना लिखा था, अब तेरा शुक्रिया, जो 2 लाइन इन्होंने गाया, आज पूरा गाना रिकॉर्डिंग हो गया है, 2 लाइन सुनाएंगे चंदन जी आपको, तो थोड़ा तो ये बताना। आप ये कर कैसे लेते हो? मतलब डेली किसी ना किसी नए सिंगर को खड़ा करते हो, किसी नए एक्टर को एक्टर बना देते हो, कैसे मतलब ऐसा हो जाता है नहीं देख, अचानक में? होता मैं है कि मतलब आप कोशिश करते लगे रहते हो? नहीं, मैं नहीं लगा रहता हूँ, जो लगे रहती इसमें, देखो रोटी उसी को तो जिसको भूख है, अभी जिसको भूख नहीं उसको रोटी देने से मतलब नहीं ना। अब तक कितने आर्टिस्टों को इतनी उम्र में चांस दे चुके हो? चांस मतलब मैंने तो अभी तक बहुत लोगों को चांस, अभी तो करियर शुरू किया मैंने, और इसमें जैसे बस चलते जा रहे, लोग मिलते जा तो रहे हैं। अब तो गुरु मानने लगे नहीं लोग नहीं तभी गुरु जा रहे गुरु हैं। मैं गुरु किसी का नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, बाकी लोग अपना काम करते हैं, बात गुरु करें एल्बम की, कब तक एल्बम आ जाएगा ये? इसका नाम क्या है और आपने कॉन्सेप्ट क्या रखा है, कुछ इसके बारे में बताओ। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। साथिया जो हमारा नेक्स्ट एल्बम आ रही है, साथिया क्या जिसमें नाम है? नेक्स्ट एल्बम है हमारा साथिया, बहुत अच्छा सॉन्ग है, साथिया जी से गाया है शहनवाज खान एंड नेक्स्ट सॉन्ग गाया है चंदन जी ने, माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है, बहुत जल्दी ये नेक्स्ट मंथ में। आर्टिस्ट कौन कौन है इसमें, जो जो कम मतलब सिंगर तो आ गए सामने, जो एक्टिंग करने वाले इसमें वो कौन है? एक्टिंग करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज देव सर है, जो अभी करने वाले हैं मनोज देव, जो यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने देख सकते हैं, ये करेंगे। फीमेल में अभी कास्टिंग चालू है तो वो पूरा कंप्लीट हो गया। मनोज जी थोड़ा सा इधर आ जाइए और बताइए अपने बारे में। क्लास तो इनकी लग गई है, अब आप क्या करने वाले हैं? हाँ एक्टिंग करेंगे और क्या। तो कुछ तैयारी करी है आपने? हाँ जैसा रहेगा तैयारी मतलब वैसे इन्होंने ही। बहुत किया है, मतलब पहले से, जैसे इनको बचपन का ड्रीम है, बचपन से इन्होंने मतलब एज अ हीरो, एज अ लोग, एज अ हीरो इनको लोग जानते हैं, अगर निक नेम इनको बोला जाए तो मनोज ने, इनका निक नेम है हीरो, एवरीवेयर हिज नेम है कॉल एवरीवन है लाइक या हीरो, हीरो, या
मेरे भी हीरो फिर आप हो गए। अब बताएंगे कुछ अपने बारे में कि ये सब कैसे हुआ और कितना मतलब आपको कितना जोश है एक्ट करने में और कब से आप इंडस्ट्री फिल्म लाइन माना चाहते हो? मैं तो अभी 2-3 साल से इसे कर रहा हूँ। मौका मिला कहीं तो? मिला है, फिर भी टाइम मिलता है तो मतलब जाता आप है। खुश नहीं हो मौका मिलने से? इनको मिला है मौका, लेकिन एज अ लीड का ही हाँ वही किसी ने नहीं खुश दिया, नहीं हो मतलब मतलब। फ्रॉड दिया गया तो अभी आप खुश हो? अभी आपको हाँ। शाहनवाज जी ने आपको खुश है तभी तो मुंबई है। में, लेकिन बहुत फ्रॉड है सर। खुश, आप खुश हो? हाँ। कितने पैसे अब तक खर्चा कर चुके हो ये मतलब जो फ्रॉड हुआ आपके साथ उसमें? जाता था वो कि पैसा मांगने से पहले मैं हट जाता था, जब सर आप रहेगा तो पैसा। आपने कितना लुटा दिया? मैंने आए हुए यहाँ 2 मंथ हो रहा है, जिसमें से बातों मैं से अभी तक पकड़ा जाएंगे। 5,000 लुटा दिया। अच्छा, इससे कम है अभी जी शहनवाज साहब। तो नहीं ये एल्बम अभय, अभय कब तक लोग आ जाएंगे? एल्बम ये कब तक देखने को मिल जाएगा? ये नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल पे। कहीं भी जाओ, बस ये एल्बम जो सांतिया आपको देखने को मिलेगी, यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल, तो प्लीज़ जाइए और वहीं पे देखिए सांतिया। अभी बहुत सारा हमारा पेंडिंग एल्बम है तो आने वाले हैं, सब ग्रीन म्यूजिक से ही आने वाला है। दर्शकों से कुछ तीनों कहोगे आप लोग एल्बम को लेकर? साथिया जो एल्बम है इसमें अच्छा बना है एल्बम, तो दर्शक आपको प्यार दें कि नहीं दें? देंगे ना, क्यों नहीं तो देंगे, बोलिए इधर कैमरे में, जब देखेंगे तो देंगे ही। भाई ऐसा आप क्या बोलोगे दर्शक से, कैमरे में देख के बोलो? मैं दर्शक लोग से यही कहना चाहूँगा कि मुझे प्यार दो, कि मुझे प्यार दीजिए और मेरे गाने को सुनिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप तो बहुत पुराने हो गए, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता दोगे। प्लीज़ ग्रीन म्यूजिक पे जाइए और इस गाने को बहुत जल्दी आपके सामने आएगी और ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल पे आएगी, तो प्लीज़ अगर ये गाना अगर देखना रहेगा तो ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल पे जाके देखिए। ट्रीजर आपका बहुत जल्दी इसका लॉन्च होने वाला है ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल पे, ठीक है? थैंक यू। चंदन जी का रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आया था। मतलब आज कुछ कर ही नहीं रहे? नहीं, आज इनका भी एक रिकॉर्डिंग है। हमारे ये पर्सनली मैं इनके लिए आया था कि इनका मुझे वॉइस जो इनका अच्छा लगा मुझे, माइंड ब्लोइंग। ठीक है चंदन जी, इतनी तारीफ हजम हो रही है आपको भी? नहीं, सच बताना, मजाक नहीं, सीरियसली हजम तो वही रहा सर। हो गया हजम? यस। मतलब खुशी हो रही है आगे यस सर। आप बॉलीवुड में आप एंट्री मार रहे हो? यस सर। तो मुझे तो मेन बात ये खुशी हो रहा है कि मुझे मुंबई में कुछ चांस मिला। और इस गाने के बारे में बताओ कुछ, क्या है गाना, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बना रहे हो और इनकी... कब रिलीज करोगे? यस, इनका गाना सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब ये आए हमारे ऑफिस में मिले बैंड्रा में, तो मुझे कुछ बोले कि सर प्लीज़ वन मोर चांस। मैं बोले ओके नो प्रॉब्लम। तो अभय सर, रवि सर मिल के हम दोनों तीनों चारों मिल के हम इनका कॉपरेट किए, तो इनकी गाना सुन के बाद मुझे एक ऐसी ऐसी फीलिंग आई कि जो गाते हैं उनकी दिल में छू जाती है, राइट? जो दिल में छूती है ना तो कुछ अलग ही बात होती है। पोस्टर में भी आप दिख रहे हो, तो इसका मतलब आपने कहा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ पोस्टर में, फिर कैसे दिख रहे हो? नहीं, कुछ कर नहीं हूँ, मतलब प्रोफेशनली, पर्सनली जो बोलते हैं, पर्सनली इनके लिए मैंने खास यहाँ मतलब पे गाने में आप या खास हाँ गाने में हूँ, एक्ट कर रहे हो गाने या सिंगिंग कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड। तो मतलब दो सिंगर हैं गाने में? या आपने रैप गाया है कि आप आवाज? मैंने अभी कुछ नया भी किया है, रैप सॉन्ग भी अभी है मेरा आने वाला है ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल से। तो मैं ये ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब देन शेयर करें। एंड अभय सर भी प्लीज़, मैं ये बोलना चाहता हूँ अभय सर प्लीज़ प्रेजेंट हो यहाँ पे और अपने बारे में कुछ दो बातें बोले। और अभय सर ने तो बहुत कुछ बोल दिया। ये बोले तो बहुत कुछ है, बट अभी जो अभी अभय सर, आप दोनों अभय की सर जोड़ी का बड़ा कमाल कर दी है। यस तो यस, कुछ अपने बारे दोनों के बारे में बताइए, कॉम्बिनेशन कैसे बनाया हुआ है आपने? नहीं, दोनों छोटे ही हैं, मतलब बराबर हैं साइज में भी और वैसे भी, तो छोटे होने से कुछ नहीं होता है। आदमी के अंदर टैलेंट होगा तो छोटा हाइट मायने नहीं रहता। अभय और तो शाहनवाज, ये जोड़ी बड़ी खतरनाक हो गई है। तो कुछ स्कूल फ्रेंड है मेरा शहनवाज, जो बहुत जो भी गाना करता है बहुत अच्छा करता है। और ये अभी जो डिफरेंट सॉन्ग किया है शहनवाज ने, बहुत मतलब रोज नया फैशन है, लाइक सॉन्ग ऑफ दिस जनरेशन। मतलब बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड, तो मतलब जीना यहाँ मरना यहाँ तेरे सिवा जाना। देखो ये बात होती है कि इंसान वैसा जो भी देखने में छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। ये होता है कि जिसमें टैलेंट होती है, टैलेंट
टैलेंट इम्पोर्टेंट होता है कि टैलेंट इंसान में कितना होता है। टैलेंट ही दोस्ती, टैलेंट ही इंसान को ऊपर लेके जाती है। हमारे जो दोस्ती है, हम तो दोस्त तो है ही, भाई भी है, लेकिन दोस्ती बराबर साइज में क्यों करी? छोटे बड़े क्यों नहीं रहे, मोटे पतले क्यों नहीं रहे, एक जैसे? ये तो ऊपर वाले की देन है, हम नहीं बोल सकते। जो भी दिए हमको थैंक यू। ये गाना कब तक आएगा, रिलीज कब कर रहे हो, इसके बारे में बता दें। ये गाना बस कुछ जल्दी आने वाली है, हम जल्दी ही नेक्स्ट मंथ तक ही आ जाएगा, आने वाला है। थैंक यू। और कुछ बोलना है दर्शकों? यस, मैं हाँ दर्शकों ये बोलना चाहिए, गिरी म्यूजिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब दें, शेयर करें एंड ये गाने को सुने, एंजॉय करें, और हमें चंदन जी को कोऑपरेट करें, हमको कोऑपरेट करें, अभय सर को कोऑपरेट करें, और मनोज जी को भी कोऑपरेट करें, हम सबको ग्रुप को कोऑपरेट करें। आज हीरोइन नहीं दिख रही है, क्या चक्कर है? या हीरोइन अभी काफी, अभी थप्पी सीरियल आई थी, तो थप्पी सीरियल में हीरोइन जो आशी है, आशी अली, तो फिर शूट के लिए बिजी हो गई है, तो उनका फोन आया था मुझे, तो मैं बोला इस नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। चल रहा है, फीमेल कास्टिंग चल रहा है अभी, तो जितना जल्दी हो जाएगा हम लोग कर गए शूट करने वाले हैं। थैंक यू। ऐसा जो मनोज जी है इसमें एक्ट करेंगे, साथिया जो एल्बम आ रही है, आज ये मनोज जी लीड में आ गए, वहाँ चल गए। तो जी मनोज जी हीरोइन के साथ मजे लेने वाले हो, क्या कहोगे? अब तो मतलब मेन लीड कर रहे हो, आपको कितना खुशी है? खुशी है ज़्यादा कि कम? कम नहीं, ज़्यादा ही है। बोल नहीं रहे हो क्या, मतलब सकते में हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं? जबान तो खोलो, लव हिलाओ। मनोज जी जो है बोलते कम है, लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब साइलेंट आदमी है इनका, काम देखने को। इसके बाद नेक्स्ट एल्बम कब रिकॉर्डिंग होने वाला है? बस ये होने के बाद हमारा, मुझे चांस दे रहे हो कि नहीं? या जरूर जरूर, टैलेंट होगा तो जरूर हम आपको ऑफिस से बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, जरूर हम आपको चांस देंगे। चलो थैंक यू।